सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज डेट है 10th of June और आज हम निकल रहे हैं काजा से चीचम और चंद्रताल करते हुए मनाली साइड में निकल रहे हैं आज हम लोग। रात को हम लोग एक शादी में गए थे, वहाँ पे थोड़ी रात को क्या वॉक किया रात को, तो गला ख़राब हो गया मेरा और हल्का सा फीवर आया है, पर अभी मैं गोली वोली लूँगा तो ठीक हो जाएगा, ज़्यादा कोई तबीयत ख़राब नहीं है मेरी। तो यहाँ से चीचम ब्रिज 15 किलोमीटर है और चलते हैं यहाँ से और हिचाइक स्टार्ट करते हैं अभी। और ब्रिज के पास से नज़ारा कुछ ऐसा है, ये स्पीति रिवर जिसके हम 4-5 दिन से साथ साथ चल रहे हैं। और यहाँ पे आकाश खड़ा है, की मोनेस्ट्री 10 किलोमीटर जो कि हम करके आ गए। इधर जाएंगे तो आएगा शिमला, इधर जाएंगे तो आएगा मनाली। लेकिन जो मनाली वाला रूट है वो काफ़ी लोगों ने बोला है कि रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो आज तो भूल ही जाओ कि मनाली पहुँचेंगे। आज हो सकता है हम चंद्रताल रुके तो मैगी वैगी कैरी करेंगे, सफोला ओट्स वगैरह, और वहीं पर बनाएंगे और पार्टी करेंगे और मिलते हैं आपसे जब हमें लिफ्ट मिलती है। अभी क्या हुआ, एक स्कोटे वाले भाई ने हमें लिफ्ट दी थी लेकिन उनको जाना था ऊपर की मोनेस्ट्री, हमें आगे जाना कीपर साइड में, तो बैग अंदर बोर्ड जो हमारा है वो बोर्ड उस गाड़ी में छोड़ गया। तो आकाश लेने गया हुआ था और अब आया है, 15-20 मिनट लग गए पैदल पैदल ब्रो। हाँ, गया तो लिफ्ट लेके था लेकिन आया पैदल है ये बेचारा। कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रख। तो ये भाई जी ने गाड़ी रोकी है सबसे लास्ट में, थैंक यू। हम लोग ऐसे ही पूरा भारत घूम रहे हैं। ओके नाइस, एंड हियर द जीप, इसमें जाएंगे हम। तो अभी मैं हूँ चीचम ब्रिज पे और उसी जिप्सी में आए हम चीचम, और बहुत ही शानदार ब्रिज बना हुआ है, ये एशिया का हाईएस्ट ब्रिज है। एज यू कैन सी बहुत सारे ट्रैवलर्स यहाँ पे खड़े हैं, ये देखो इन वायर्स पे टिका हुआ ये ब्रिज पूरा, एशिया का हाईएस्ट ब्रिज। तो चलते हैं चीचम ब्रिज के ऊपर। बहुत ज़्यादा हाइट पे है ये, कोई भी व्हीकल निकल रहा है तो कंप्रेशन हो रहा है यहाँ पे। चीचम ब्रिज एशिया का हाईएस्ट ब्रिज। लास्ट बार देख लो चीचम ब्रिज, ये यहाँ से वायर गए हुए हैं जहाँ से ये टिका हुआ है पूरा चीचम ब्रिज, और जो नज़ारा है भाई, एशिया का हाईएस्ट ब्रिज है ये। तो इन भाई ने हमें यहाँ पे छोड़ दिया है चीचम ब्रिज पे, और ये रास्ता हमारा निकलेगा आगे चंद्रताल के लिए, और ये सब जा रहे हैं कीपर। तो कीपर हम अगर इनके साथ जाते हैं तो वापस इधर आना पड़ेगा, दैट भाई हम यहीं से हिचहाइकिंग स्टार्ट करेंगे वापस आने के लिए। हाँ, कुछ तो छोड़ना चाहिए ताकि वापस आ सके। जरूर सर। तो अभी हम लोग चीचम से वापस जा रहे हैं की साइड में, की से जाएंगे काजा और काजा से जाएंगे मनाली की तरफ। चीचम हो गया, चंद्रताल हम लोग स्किप कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम करेंगे जब भी आएंगे हिमाचल प्रदेश। तो भैया के साथ अभी हम जा रहे हैं, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम रंगोल। अच्छा, भैया का की में खेत है तो हमें वहाँ तक छोड़ेंगे। मना होता है भैया? सर्दी पूरा क्लोज जाती है ना, पूरा रोड सारा बंद हो जाती है। अच्छा, तब हमारे को सर्दियों के क्लोज होने से पहले सारा राशन पानी स्टॉक करना पड़ता है आपके घर पे। कितने महीनों के लिए? 5-6 महीने। 5-6 महीने के लिए आप पूरा राशन पानी लेके स्टॉक कर देते हो ताकि आपको नीचे वीचे जाने की जरूरत ना पड़े। हम लोग बिल्कुल इकट्ठे ज्यादा लेते हैं ना, कम लेते नहीं क्योंकि बर्फ की वजह से सारा रोड बंद हो जाता है। अच्छा, फिर हरी सब्जी तो हो ही नहीं पाती है? हरी सब्जी तो नहीं हो पाती, कभी कभी काजा से मिल जाती है, यही दाल आलू वगैरह। आलू की कमी, आलू का स्टॉक कर लेते हैं क्योंकि खराब नहीं होती ना। हाँ, वो थोड़ा चल जाता है, वो चल पड़ता है, वो तो 3-4 महीने चल पड़ता है। हाँ, ठंड की वजह से पैदा नहीं होते ना, जैसे था वैसे रहता है सब्जियों में। बाकी पूरा स्टॉक कर लेते हैं, चीनी से लेकर दाल, ये दाल चावल आटा सारा
दो तीन तीन क्विंटल है ना, इकट्ठे कर लेते हैं सारे। सही है, सही है। थैंक यू अंकल यहाँ तक छोड़ने के लिए। बेस्ट ऑफ जर्नी। थैंक यू। की से काजा रह गया 10-12 किलोमीटर, तो टूरिस्ट बहुत आते हैं की मॉनेस्ट्री देखने के लिए, तो कोई बड़ी बात नहीं है, लिफ्ट मिल जाएगी इजीली। यहाँ पे जो जितने भी खेत हैं सारे मटर की खेती होती है, यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे मटर के खेत हैं। और जिन भैया ने हमको छोड़ा है वो चिचम विलेज में रहते हैं, लेकिन उनका खेत यहाँ पे है।